का सवाल लेंगे राजकोट से, और इनका सवाल है व्हाट्सएप के जरिए, और इनके पास भी है रेलवे शेयर आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, 80 रुपये के भाव पर है, तो काफी आकर्षक भाव पर है। हमने आरवीएनएल के भाव को 130 रुपये के ऊपर भी जाते हुए देखा, बहुत ही तेज रफ्तार दिखाई थी, लेकिन निश्चित तौर पर वहां से ऊपरी स्तरों से करेक्शन जरूर है। इनके भाव से अभी भी 1.5 गुना है शेयर, रवि मुनाफा बांध ले, बहुत पसंद हो तो थोड़ा नीचे आए तब ले लें, क्या होनी चाहिए रणनीति आपकी तरफ से? बिल्कुल आप अभिषेक जी सही कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार इन्वेस्टर्स को यही बताने की कोशिश करता हूं, जब भी कोई स्टॉक लीजिए, अब आप इसको देखिए, 1 महीने में 60% की रैली, 3 महीने में 67%, 1 साल में 276%। अब इतना बड़ा रिटर्न आ रहा हो तो सबसे पहले अपना मूलधन यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको पहले बाहर निकाल लीजिए, जो प्रॉफिट आ रहा है उसके स्टॉक्स को रन करिए। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आरवीएनएल को इस समय देखते हैं तो मुझे लगता है कि 130 से आप टॉप नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप अपने मुनाफे को लॉक जरूर कर सकते हैं। मुझे लगता है 119 के लेवल पे भी मुनाफा लॉक करना चाहिए, वापस 100 रुपए और 95 रुपए तक के लेवल वापस दिखते हुए आ सकते हैं। अगर वो करेक्शन देखते हैं तो ऊपरी जो परसेंटेज है वो 10% होता है, तो 10% का वेट क्या करना, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे आएगा फिर खरीद लीजिएगा, मार्केट चलती रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, बड़े बड़े रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएं और सही टाइम पे स्टॉक से एग्जिट भी करें जिससे आपका प्रॉफिट लॉक हो सके। कम से कम उतना मुनाफा आपको यहाँ पर इस वक्त बुक करने की राय दी जा रही है। रेलवे स्टॉक्स में अभी और तेजी बनी रह सकती है, लेकिन